देवास जिले के खातेगांव तहसील अंतर्गत पुलिस थाना हरण गांव में गत दिनों लाठी डंडों से तोड़फोड़ करने और पुलिस पर पथराव करने के मामले में हरण गांव पुलिस ने विशेष पुलिस दल की सहायता से 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर हरण गांव में मुख्य मार्गों पर जुलूस निकाला है। थाना प्रभारी अरविंद भदौरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और मामले की जांच की जा रही है। उक्त घटना से जुड़े किसी भी आरोपी को छोड़ा नहीं जाएगा। वहीं एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने मीडिया को बताया कि पुलिस से अभद्रता करने वाले आरोपियों के साथ सख्त कार्यवाही की जाएगी एवं पथराव करने व शासकीय कार्य में बाधा डालने वालों के खिलाफ रासुका की कार्यवाही भी की जाएगी। कन्नौज से कमल गर्ग की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।